ये है हमारी यात्रा थोड़ी देर के लिए साथ रहती है, उसके बाद मैडम वो फिर अपनी दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं और मैं सीधा आगे निकल जाता हूँ। नूनू चला गया स्कूल सुबह ही, और सुबह क्या मतलब 8 बजे के आसपास। अब हम शाम को मिलेंगे इकट्ठे, शाम को इकट्ठे होंगे दोबारा। तब तक के लिए इनको उतार, आगे उतर आगे। ये लो जी सब्जियां और मैंगो है बैग में, सब्जियां और मैंगो बैग में है, ये निकाल लेना। और पहुंच गए हम कंपनी से। और क्या बन रहा है? बर्तन धो रहे हैं। अच्छा, बर्तन तो जा रहे हैं मैडम, बर्तन धो रहे हैं। देखते हैं मुन्ना क्या कर रहा है आज की रूटीन। स्कूल से आया था, बारिश डाले तेल स्कूल से, जब जैसे 7 बजे तेल डाला करवा दूंगा। स्कूल से आया, गर्मी थी तगड़ी वाली, बारिश होगी बस में, देखा तो बस के बाहर बारिश चल रही, आके नहाए ऊपर भी, उधर से भी नीचे से आया बारिश में। तो फिर तेल कब डालेगा? तो तेल सुबह डाल, 7 बजे डाल देगा, सुबह नहीं, सुबह फिर रात का तेल बस कोकोनट डालता हूँ बस। अभी 7 बजे तेल डालिएगा, ठीक है? जब तक हम सोएंगे तब तक एब्जॉर्ब हो जाएगा काफ़ी, है ना? तो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बोल। क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं इंसाइक्लोपीडिया खोल लिया, वर्ल्ड वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया। लेकिन कंटिन्यूटी में कल जो करा था उसको कंटिन्यू करें थोड़ा सा। देखा था कि 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना भी करी थी एक बाल गंगाधर तिलक ने, और एक कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? आयरिश लेडी। और एनी बेसेंट 1917 में आगे चल के कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी गई थी, है ना? और फर्स्ट, हाँ फर्स्ट लेडी, है ना, वुमेन प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अगर कब कभी कोई ये पूछे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, तो वो थी सरोजिनी नायडू। लेकिन फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट थी। शी वॉज नॉट इंडियन, शी वॉज आयरिश लेडी, है ना? वो लिबरल थी इंडियन के लिए। इंडिया के चक्कर में वो ना जेल भी गई है वो, है ना? पता है आपको, इंडियन के फेवर में उसने जो एजिटेशन करा उसमें उसको जेल भी हुई है। हालांकि वो अंग्रेज थी, आयरिश मतलब इंग्लिश थी वो भी, लेकिन वो लिबरल थी, शी वॉज लिबरल टुवर्ड द इंडियंस, है ना? तो वो रिफॉर्म्स चाहती थी इंडियंस के लिए। तो उसने होम रूल लीग की उसने भी स्थापना की थी सेप्टंबर में, और उससे पहले 16 में ही किसने करी थी? 16 में बाल गंगाधर ने 16 में ही, मतलब अप्रैल में कर ली थी, और सितंबर में करी थी फिर सरोजिनी नायडू ने, ठीक है? अच्छा, एम के गांधी वाला मैं बीच बीच में लाता रहा करूँगा। एम के गांधी कब आए थे उधर से, साउथ अफ्रीका से वापस? 1915 में, है ना? जनवरी या फरवरी मंथ में, शायद जनवरी मंथ में, 15 में, यदि याद रखना, बार बार भूलना मत, 15 में। मैं फिर से रिट्रेट कर रहा हूँ, मतलब दोबारा फोकस कर रहा हूँ मैं, 15 में वो वापस आए थे, ठीक है? और जो फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का, वो कब अटेंड किया था उन्होंने? 1901 में। इसका मतलब ये नहीं कि वो 15 में आए तो उससे पहले इंडिया कभी आए नहीं होंगे, तो भी इंडिया आए होंगे, लेकिन 15 में जो इंडिया से, लंदन से वापस, वो सॉरी क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका से जब वापस आ गए थे, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मतलब फुली जो है इंडिया में अपना टाइम दिया था, है ना? और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई एक और चीज़, हमें लगता है ना कि महात्मा गांधी बहुत वो था, लेकिन अब वहाँ पे एक चीज़ और लोगों को मतलब मिसकंसेप्शन हो जाती है कि महात्मा गांधी कई बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने होंगे, ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी सिंगल टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 1924 में, कौन से सेशन में? बेलगांव, कर्नाटका में, है ना? अच्छा, बेलगांव से एक कन्फ्यूज़न और होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर रहा, मतलब फोकस कर रहा हूँ जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं किसी भी मतलब अच्छे एग्ज़ाम्स में। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गांव में पहला सेशन कब हुआ था, तो कभी कन्फ्यूज़ मत होना बेलगांव से, ठीक है? बेलगांव कर्नाटका में, इसका मतलब ये नहीं कि वो विलेज था, वो एक जगह का नाम है बेलगांव, ठीक है? जो फैज़पुर में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो सेशन जो था कांग्रेस का हुआ था फैज़पुर में, और वो एक विलेज था फैज़पुर, है ना?
तो वो एक विलेज था, है ना, पहला सेशन विलेज में हुआ था। अच्छा, जो फर्स्ट फर्स्ट की बात है तो बार बार मैं रिवाइज फिर से करवा दूँ। फर्स्ट जो आपका पास्टी थे वो कौन थे, जो प्रेसिडेंट बने थे, दादा भाई नौरोजी जी। फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जो प्रेसिडेंट बने थे, अरे नहीं गलत, बद्रुद्दीन तैयब। और जनगण नहीं, सॉरी, वंदे मातरम कब था, 1896 में, रहमतुल्लाह सयानी क्या थे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, वो उनके सेशन में वो गाया गया था। और सेशन कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में, है ना। और राष्ट्र अपना जनगण मन ये कब गाया था वो बता दो, 1911 में, कौन से सेशन में, कलकत्ता वाले, है ना। और वो कहाँ हुआ था, सॉरी कौन थे उसमें, बिहंदर, इस पे फिर डाउट है मुझे, मैं फिर देखूंगा एक बार। और एक और चीज बताऊँ आपको, मैंने देखा था बिल्कुल, ठीक है, पर मैं भूल गया। अच्छा एक चीज और बताऊँ, जो आगे चल के, अब आगे जो जिसमें 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम लोग, मतलब ये बताओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस, हाँ, मतलब कौन से डे को मेमोराइज करने के लिए, कौन से डे को याद करने के लिए मनाया गया था, रिपब्लिक नहीं तो क्यों, मतलब 26 जनवरी को यमुना के तट पे नहीं, गलत, हाँ बोलो कुछ तुम मतलब बोलना चाह रहे हो, ठीक बोल रहे हो, मतलब नहीं, रात को 12 बजे तो किया था, पूरे 12 बजे, सुन लो अगर नहीं आता तो बता देता हूँ, मेरे पास वो बता, हुआ क्या था, 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर है रावी नदी के किनारे, ठीक है, कहाँ पे रावी नदी के किनारे, अब मैं बोल सकता हूँ क्या, बोलो रावी नदी के किनारे उन्होंने ठीक 12 बजे जवाहरलाल नेहरू एंड थोड़ी सी मतलब हाँ जो भी लोग थे कांग्रेस लोग, उन्होंने झंडा वहाँ पे इंडिया का गाड़ता ठीक 12 बजे, और तभी ये प्रण ले लिया था कि हम जब भी आजाद होंगे 5 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, हम अपना इंडिपेंडेंस 26 को ही बनाएंगे, पर अंग्रेज तो 15 को लेके चले गए, तो अब वो सोच रहे थे कि 26 को कैसे, और 15 अगस्त को दे दिया, तो उन्होंने जब तक संविधान तो पहले से बन चुका था नवंबर में, पर उन्होंने टाला कि 26 जनवरी तक करो, फिर 26 जनवरी को डालते मतलब इसे पूरे दलाते हैं, तो तब उसे गणतंत्र, अब हम तो रिपब्लिक है नहीं, अब तो हम गणतंत्र मतलब संविधान के अंदर। अब मैं थोड़ा सा तुम इस चीज को रिवाइज करवा देता हूँ, क्या है 1929 का जो लाहौर वाला सेशन हुआ था जिसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, तो अच्छा जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, एक चीज़ ये, चलो ये आगे बताता हूँ। लेकिन जो रावी नदी के किनारे जो सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें 1929 में और पूर्ण स्वराज्य की जो वहाँ रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था, ठीक है, और 26 जनवरी को रखा था, दिसंबर में हुआ था ना, तो क्या हुआ, कुछ नहीं चल रही है, तो 26 जनवरी को जो अच्छा वो हुआ, मतलब दिसंबर में सेशन हुआ था, तो उन्होंने नहीं वो उस सेशन में उन्होंने ये वो किया था कि हम 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी वाले दिन वो लहराया था रात को मिडनाइट में, है ना, झंडा, तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि जब भी कभी हमें आज़ादी मिलेगी 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिल गई, और फिर 26 जनवरी को जो हमारा संविधान था उसको लागू किया गया आराम से, मतलब जब 26 जनवरी वाले दिन 1950 को, ठीक है, 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को वो इसलिए किया, इसलिए उसको पोस्टपोन किया गया था कि हम 26 जनवरी वाले दिन जो है उसको परमानेंट वो याद रहे लोगों को, है ना, और एक डे के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में उसको फिर से फिर मनाया जाने लगा उस टाइम से, ठीक है। तो ये है 26 जनवरी का एक महत्व। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है और कि जो रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा मैं,